हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है, कितनी आई है, क्या है। और आज अपन इटवार मोटर राइड की जर्नी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको बोर लगेगा, लेकिन अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ये व्लॉग देखो, आपको समझ में आ जाएगा यूट्यूबर लाइफ में आपको स्ट्रगल क्या होती है, कितने पैसे मिलते हैं, क्या क्या रहता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस वीडियो में बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एटवार मोटोराइड चैनल की हिस्ट्री, मतलब मैंने कब बनाया था चैनल। तो आप चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ है 30 अगस्त 2019 के 30 अगस्त के दिन मैंने इसे बनाया था। तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये था कि मतलब मेरा पर्पस था कि मैं इस पर बाइक्स की वीडियोस शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उससे पहले टेक में भी था, उससे पहले नहीं, अभी भी मैं टेक के वीडियोस। तो ये मेरा पहला चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल पर हो चुके हैं, कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में मैंने इस पर कंटिन्यूटी रखा, क्योंकि बाद में मुझे पता चला क्या क्या रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, शायद से पाँचवा या छठा चैनल होगा ये, या फिर ज़्यादा होगा। पहले मैंने सौरभ सिंघा ने बनाया चैनल, वो कुछ चला नहीं। फिर उसके बाद मैंने टेक का चैनल बनाया, तो उसके ऊपर मैंने VR बॉक्स कुछ आता था उसकी अनबॉक्सिंग की। फिर शेवर जो क्लीन शेव करते हैं उसके लिए अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाए, और वो भी नहीं चला। उसके बाद फिर मोबाइल्स के बारे में बनाए, वो भी नहीं चला, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है, यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं, थंबनेल क्या होता है, टैक्स क्या होते हैं, और पेमेंट कैसे आती है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं था। डायरेक्ट क्या किया, अपलोड वीडियो पर क्लिक करता गया, अपलोड करते गया, कुछ भी पता नहीं था कॉपीराइट क्या होता है। फिर उसके बाद मेरे पास एक 2018 तक मैंने 12th हो गई थी, उसके बाद फर्स्ट ईयर को गया मैं। तब भी मैं थोड़ा बहुत कॉलेज में बिजी था, उतना मैं यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। फिर मैंने ये फ़ोन ख़रीदा जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। वो फ़ोन ख़रीदने के बाद मुझे इंटरेस्ट बढ़ा कि ये फ़ोन अच्छा कैपेबल है, इसकी कैमरा क्वालिटी, मतलब ऑलराउंडर फ़ोन लिया था मैंने, ताकि मुझे गेमिंग भी हो सके, कैमरा भी अच्छा हो, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो। तो सब कुछ ये फ़ोन करके दे देता था, और एंड्रॉयड फ़ोन है ये, कोई एप्पल का फ़ोन नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं फ़ोन कौन सा यूज़ करता हूँ, या फिर मेरे पास DSLR कैमरा है या डिजिटल कैमरा है। तो आपको क्लियरली बताता हूँ, ये फ़ोन है Realme 7, जो कि 17,000 में लिया था, 8128 GB मॉडल था। तो मुझे बहुत अच्छा पड़ा, और फ़ोन की क्वालिटी मेरे हिसाब से फीडबैक तो बहुत अच्छा है, और इससे मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फ़ोन तो आज तक मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस मैंने फर्स्ट वीडियो शायद से 2019 में डाला था इटवार मोटर राइड पर। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है, मेरे पास मेरी पर्सनल बाइक थी हीरो क्रिसमस ज़ेमा। तो वो बाइक से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, उस बाइक का मैंने वीडियो डाला और मुझे 700-800 व्यूज़ आए, जो कि पहले वीडियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छे व्यूज़ थे। फिर उसके बाद 2-3 वीडियो किए, उसके बाद मुझसे मतलब हुआ नहीं कंटिन्यूटी। फिर ये फ़ोन लिया मैं 2021 तक आ चुका था, 2021 के महीने में, फरवरी के महीने में इस फ़ोन को बाय किया। तो फ़ोन अच्छा था, मेरे को मतलब कीड़ा था अंदर से कि यूट्यूबर बनना है, और बाइक एंथुसियास्ट हूँ मैं, तो मुझे शायद से बाइक के वीडियोस बनाना था। तो लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए मैंने घर में बैठे बैठे ऐसे ही वीडियोस बनाए, जब मेरे पास ना माइक था, ना ही मेरे पास कोई रिंग लाइट थी, ना ही मेरे पास ट्राइपॉड था। ट्राइपॉड ख़रीद लिया मैंने कैसे कैसे करके, म्यूज़िक वर्ल्ड नाम की एक दुकान है, पहचानत में ही है, तो उनके पास से मैंने ट्राइपॉड ख़रीद लिया लॉकडाउन के अंदर ही। तो ट्राइपॉड को यूज़ किया, फिर उसके बाद मुझे कमेंट आने लगे कि माइक को यूज़ करो, आवाज़ बहुत बेकार है। तो मैंने तुरंत ही माइक मंगवा लिया फ्लिपकार्ट से। तो माइक मैं अब तक सेम यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस 350 रुपीज़ है, कोई महंगा नहीं है कि आपको लेना पड़े 3,000-4,000, ऐसा नहीं, 350 रुपये का माइक है, और बेस्ट माइक है। आउटडोर की इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी बहुत अच्छी है, मैं इसमें हेलमेट पर लगाकर आराम से यूज़ करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और जितने भी आपने व्लॉग्स देखे हैं उसी माइक से देखे हैं, तो आपको पता होगा कि नॉइज़ क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दी जाती है इसके अंदर। और आपको बता दूं, अब मैं जिससे शूट कर रहा हूँ ये ट्राइपॉड पर रखा हुआ है, और उसके पीछे रिंग लाइट है, जैसे कि आपको आंख में पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिंग। तो रिंग लाइट मैंने अभी सेटअप किया है, रिंग लाइट यूज़लेस है मेरे लिए, मैं कभी यूज़ नहीं करता। तो मैंने ऐसे करते करते घर में बनाए वीडियो, कुछ 40-50 वीडियो तो मैंने घर में ही बना लिए। फिर उसके बाद मेरे कुछ 200-300 सब्सक्राइबर हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, शोरूम को कॉन्टैक्ट किया, शोरूम में मेरी अच्छी खासी पहले से ही बात थी, तो मैंने शोरूम में हीरो शोरूम में काम किया, शोरूम के अंदर काम नहीं किया, शोरूम के बाइक्स लेकर वीडियोस बनाए, शोरूम के बाइक्स लेकर वीडियोस बनाए, उस पर रिस्पांस अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने TVS के बाइक्स का वीडियो बनाया, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया होंडा के बाइक्स का। तो होंडा सबसे ज़्यादा मेरे पास, मतलब होंडा ऐसा था जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते थे। अब मैंने व्लॉगिंग क्यों चालू की कि बीच में मेरे चैनल पर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि पेमेंट बंद हो गई थी, तो एडसेंस का कुछ इशू था,
तो वो भी अजीम भाई की मेहरबानी, अल्लाह के करम से, मतलब अजीम भाई मिल गए, उनसे बात की, उन्होंने ही कुछ प्रॉब्लम देखी। तो 3 महीना विदाउट पेमेंट मैं काम कर रहा था, मतलब 1 रुपया नहीं आ रहा था और मैं काम करते जा रहा था यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक अनदर चैनल होना चाहिए, जिससे अर्निंग का तो उतना ख्याल नहीं था, लेकिन एक चैनल होना चाहिए जिससे व्लॉगिंग करूँ। तो व्लॉगिंग उसी लिए स्टार्ट किया था मैंने। तो गाइस आज मेरे, आज है 9 दिसंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको शायद से ये 11 दिसंबर तक वीडियो मिल जाएगा व्लॉग। तो आपको बता दूँ, मैंने पिछले साल के मार्च या अप्रैल के महीने से वीडियो कंटिन्यू डालना स्टार्ट किया, तो आज जाकर नवंबर के महीने मेरे फर्स्ट पेमेंट आ गई। और मैं बोलूँगा कि फ़र्स्ट पेमेंट इतनी लेट क्यों आई मोनेटाइजेशन का बहुत, तो मैं बता दूँ फर्स्ट पेमेंट इसलिए लेट हुई क्योंकि मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पाया और मेरी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब रोज़ एक वीडियो डालना चालू किया था मैंने, अच्छे खासे दिन कंटिन्यूटी रखी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत आलस आ गया कि व्यूज़ तो अच्छे आ नहीं रहे थे। कभी कभी होता था कि व्यूज़ नहीं आते थे, तो उससे डीमोटिवेशन होता था और मुझे क्या, थोड़ा बहुत टाइम पास ज़्यादा करने की आदत थी, टाइम वेस्ट मैंने अच्छा खासा कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पेमेंट भी लेट मिली। और मुझे समझ नहीं आया अल्गोरिथम इसका कि व्यूज़ कैसे लाते हैं, कैसा वीडियो चलाते हैं, तो वो उस दिक्कत में मुझे इतनी पेमेंट लेट मिली। लेकिन आज 7,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं अपने A2R मोटोराइड चैनल पर। फर्स्ट पेमेंट अपनी आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के सपोर्ट से। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉयल हैं कि कभी भी मैं वीडियो डालता हूँ तो वो कम से कम वीडियो देखेंगे और लाइक करके तो जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने व्लॉगिंग चैनल पर भी अभी 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर भी व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी देखकर। और उदगीर शहर में व्लॉगर तो है नहीं, दूसरे व्लॉगर तो अपने अजीम भाई हैं, मैं व्लॉगिंग चैनल किसी का देखा नहीं, उदगीर चैनल से किसी का होगा तो वो भी टैग कर सकते हैं, आपको पता होगा चैनल का नाम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है A2R मोटोराइड की, इतनी आई, उतनी ज़्यादा नहीं उतनी कम नहीं, अच्छी खासी पेमेंट आई। अगर आपको पता करना है इसकी पेमेंट कितनी है तो मेरी तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस है। आपको बता दूँ पेमेंट, आप कैसे बताऊँ यार, आप YouTube पर देखेंगे कि कितनी पेमेंट पर थ्रेशोल्ड निकलता है तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पेमेंट आई है। उससे ज़्यादा ही है, अच्छी खासी पेमेंट आई है। मैंने अभी तक उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अभी सेविंग्स करूँ या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, न्यू कैमरा लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पेमेंट अच्छी आई है। अब वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो आपको बता दूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल चाहिए, जो मुझ में तो नहीं है। मैं कर दिया, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे किया, मुझ में पेशेंस लेवल ज़ीरो है, ज़ीरो पेशेंस लेवल हूँ, मेरे को कैसे एट ए टाइम रिजल्ट चाहिए। तो यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत टाइम है, टाइम वेस्ट जा रहा है, लेकिन अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो तुरंत स्टार्ट करो, क्योंकि कल को आपको बहुत हार्ड जाएगा ग्रो करना, क्योंकि अभी भी बहुत हार्ड जा रहा है हमें ग्रो करना, कर रहे हैं थोड़े थोड़े से, अपने टेक्सचर भी बहुत अच्छे से, अभी उनके भी 8K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनके लिए भी एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टेक्सचर और जी ब्लॉगर। अजीम भाई के भी वीडियोस अच्छे होते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जी ब्लॉगर चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके भी चैनल के लिंक मिल जाएंगे। और टेक्सचर जो है मोबाइल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके वीडियोस बनाते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक A2R मोटोराइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड हर एक वीडियोस डालता रहता हूँ A2R मोटोराइड चैनल पर। कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे तो वो भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा, कमेंट का हर एक का रिप्लाई देता हूँ, मैं अभी तक एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा हुआ ही नहीं, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, एक भी मेरे पास कमेंट बिना रिप्लाई के जाता नहीं है। और कोई आके स्पैम के कमेंट करता है तो मैं रिमूव कर देता हूँ, और मेरा YT स्टूडियो ऐप पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और जिसको यूट्यूबर बनना है तो भाई व्लॉगिंग चैनल अच्छा है अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं कहूँगा आप अपने इंटरेस्ट पर जाएं। ज़्यादातर कोई व्लॉगिंग करके लाखों कमा रहा है, उसको देखकर कभी भी आप इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा मैकेनिकल में, बाइक्स में या फिर टेक्नोलॉजी में, और आप कर रहे हैं व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये सब बेकार चीज़ें हैं। आपको थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आप बोर हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं अपन, काम पैसा नहीं आता, काम नहीं, व्यूज़ नहीं, डीमोटिवेट होते हैं, उतना टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना इंटरनेट वेस्ट हो जाता है। तो वो सब दिक्कत नहीं लेना, मतलब सिर पे इतना टेंशन नहीं लेना, आपको इंटरेस्ट किस में है देखना। अब मैंने A2R मोटोराइड चैनल बनाया तो मुझको कैसा होता है, कभी मैं डिसकंटिन्यू रहता हूँ या फिर डीमोटिवेट रहता हूँ तो उस पर वीडियोज़ नहीं डालता, लेकिन इतना अच्छा है कि मेरे ऑडियंस मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैं 3 महीने के बाद भी वीडियो डालूँगा अगर चैनल पर तो व्यूज़ आएंगे, ऐसा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स एक्टिव रहते हैं, तो मुझे व्यूज़ का भी टेंशन नहीं आता उतना ज़्यादा। और मैं कल को मोटो ब्लॉगिंग चालू करने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं,
और मैंने स्टार्ट, क्योंकि आपको बता दूँ मैं मतलब पैसे का तो उतना कमाने का सोचा नहीं, मुझे पता था यूट्यूब पर उतनी ज़्यादा इनकम होती नहीं है। मुझे था कि पॉपुलैरिटी मिली, सब्सक्राइबर्स हों, एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, मेरा 2017 से प्लान था। मैं जब 11th या फिर हाँ 11th में था तब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया था, तब से मुझे कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना, कि मुझे यूट्यूबर बनना है। और मेरी पढ़ाई अभी भी चालू है, स्टडीज़ चालू हैं, एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, तो मैं उतना कुछ ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर तो ध्यान बहुत ज़्यादा देता हूँ, पढ़ाई पर उतना नहीं देता, वो अलग बात है। ये हर बार पास हो जाता हूँ, ऐसा एक भी साल मेरा बैक नहीं गया या एक साल मुझे रिपीट करना पड़े। मेरी मास्टर्स की डिग्री होने वाली है, लास्ट ईयर चल रहा है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको मेरी यूट्यूब अर्निंग और मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताया। आपको ब्लॉग थोड़ा बहुत बोर लगेगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। तो गाइस ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के ब्लॉग में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।